देश में भले ही स्वच्छ भारत अभियान जोर शोर से चल रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह में ये दम तोड़ता नजर आ रहा है। दमोह के मड़ियादू कस्बे के सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में पानी की किल्लत के चलते लड़कियों को खुले में शौच जाना पड़ रहा है। रोज सुबह वार्डन सभी लड़कियों को जगाती है और हॉस्टल के मैदान में इकट्ठा कर लाइन लगाई जाती है। उसके बाद 2 किलोमीटर दूर एक नाले की तरफ सब निकल पड़ती हैं। नाले के पानी से 100 से ज्यादा लड़कियां शौच, नहाने और कपड़े धोने का काम करती हैं। मेरे छात्रावास में पानी की व्यवस्था नहीं, हम लोग 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाते हैं। हमारे साथ हमारी छोटी मैम, बड़ी मैम दोनों और रसोईया जाती है। पहले हम लोग के यहाँ बोर चलते थे, लेकिन अब बोर भी नहीं चलते हैं और हम लोग रोज 2 किलोमीटर रनिंग के जाते हैं, तो हम लोगों का पढ़ाई का खर्चा भी होता है। हॉस्टल वार्डन कांति अहिरवाल का कहना है कि कई बार पानी की समस्या की जानकारी सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों को दी गई, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। अधिकारियों से समस्या बताई गई है, उनको पानी के लिए कहां से बोले, कहां से लाए। कलेक्टर का कहना है कि जल्द ही समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। हमने तत्काल डीपीसी को बुलाया है, जहां से भी राशि संभव होगी हम देकर के एक नया बोर कराने का तत्काल प्रयास करेंगे, जिससे कि ये समस्या का समाधान तत्काल हो जाए।